खरीदिए। हम आ गए हैं मेट्रो से जामा मस्जिद। खाते हैं बीच में बिक्री थी जैकेट, वहाँ जाके पोपट कर देखो भाई। गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग्स। इस टाइम मैं हूँ दिल्ली में और किसी काम की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और काफ़ी टाइम से आया ना नहीं हुआ था और कुछ मेडिसिन लेने के माध्यम से मुझे आना पड़ा यहाँ पर। और इस टाइम मैं हूँ भाई के यहाँ पर। ये हमारे नबी भाई जो सुबह सुबह मॉर्निंग में कपड़े धो रहे हैं, ये देख सकते हैं भाई। मेहनत करनी पड़ती है यार, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ये तो मुझे आज ही पता पड़ा। क्या कहने क्या मतलब, हम मेहनत नहीं करते? नहीं, क्या करते फिर? ब्लॉग बनाते। ये देख सकते हैं क्या कह रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ती है। कोई इंसान है ऐसा जिसको मेहनत नहीं करनी पड़ती? हर वो इंसान है जिसको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो फील्ड हो, कोई भी उसकी नीच हो। तो समथिंग 12:01 का टाइम हो गया है और ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह, अब देखते हैं डिनर के लिए क्या होता है। और आज आपको नई जगह शाम को लेके जाएंगे, शायद पार्टी करने के लिए भी जा सकते हैं हम दोनों भाई, मैं और नवी भाई जाएंगे। और जामा मस्जिद का हमारा रूट बनना है और वहाँ के आपको कुछ बहुत ही अच्छे पल दिखाएंगे। और दो रूट बनते हैं वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। या तो हम मेट्रो से जा सकते हैं या फिर अपनी कार से जा सकते हैं। ज़्यादातर जो बेस्ट रहेगा हमें 1-2 घंटे वहाँ स्पेंड करने होंगे, वो मेरे हिसाब से तो मेट्रो ही रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसकी वजह से ज़्यादा हमें अपनी गाड़ी ले आनी सेफ नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो हमने सोचा है मेट्रो से जाएंगे, बाकी और देखते हैं क्या क्या रूट बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ फंडा रहता है गाड़ी को खड़ा करने का। पार्किंग की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, तो इसलिए वहाँ जाम ज़्यादा मिलता है। तो आज आप शाम को दिखाएंगे आपको बहुत अच्छा मेन्यू। और इस टाइम मैं हूँ सबसे ज़्यादा 4th फ्लोर पर हूँ और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, कितना शानदार व्यू है दोपहर का। ये देख सकते हैं मेरा भाई कितने अच्छे से काम कर रहा है, कपड़े धो दिए हैं और ये अब दूसरी मशीन में डाल रहे हैं सुखाने के लिए। इसमें खंगल गए हैं भाई, का कहना है कि कल को कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तो आज सोचा कि मन बना लिया कपड़े धोने का। हैंगे तो सही, फिर कहाँगे कपड़े? बस यार पड़े हुए तो अच्छे लग रहे थे। ओहो, अब तो ऑटोमेटिक भी है पर मजा नहीं आता ऑटोमेटिक में। अच्छा ऑटोमेटिक रखिए नीचे, चलो डालते। तो गाइस यहाँ पर हम खेले हैं ऊनो, भाई ने काम कर लिया है। और ऊनो एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर हॉलीडे में टाइम पास होता है, बहुत अच्छा इससे एंजॉय कर लेते हैं। तो गाइस हॉलीडे में हमने सारा काम कर लिया और काम करने के बाद टाइम हो रहा है 4:00 और दोनों भाई हम रेडी होके निकल गए हैं पालम मेट्रो स्टेशन। ये यहाँ का व्यू है और पालम मेट्रो स्टेशन पर हैं हम। और यहाँ एक बार फिर से हम निकल पड़े हैं अपने नए रास्ते की तरफ। पूरा दिन ऐसे ही चला गया और जाने के बाद हमने मस्ती करी, अब जा रहे हैं हम सीधा। कहाँ जा रहे हैं भाई? सीपी जा रहे हैं, सीपी खरीदेंगे जैकेट और कुछ मौज मस्ती करेंगे और पार्टी करेंगे। भाई है मेरे साथ नबी, जो रहे ओ भाई, ये भाई हैं। हेलो भाई। और देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से जल्दी लौटना है, बैक करना है। और मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं, टिकट ले लिया है, उसके बाद क्या होता है मूवमेंट में पता पड़ेगा। ट्रेन आने वाली है यानी मेट्रो, अपन की जो ट्रैवलिंग है सेकंड ट्रैवलिंग है। तो आई थिंक पूछने वाली बात यह है जैसे आएंगे तो निकलते हैं। ज़्यादा ना हो रही कुछ तैयारी
ये हमारी चल रही है यात्रा, सीधा एक किलोमीटर एक्सचेंज लेना है मेट्रो का। देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है भाई, मस्ती आ रही है। देख लो बर्थ चार्ज करे नहीं मेरे बंदे ने, अब दूसरों के बर्थ लेके ये दिखाने के लिए लोगों को कि मेरे पे बर्थ्स है। गलती किसकी है, गलती किसकी है ये बताओ। मेरे चार्ज कर नहीं, मेरे उनका वायरलेस तुम्हें चार्ज करने चाहिए थे ना। अब यहाँ झगमराते हो ढोल ले, हम देखो ये भी भाई बहुत लंबी है। अभी तो ट्रैवलिंग रह गई समथिंग समथिंग, आधा किलोमीटर बाद हमारा एक्सचेंज है। कौन सा इधर चलना है, देखो भाई कुछ आया पसंद तो देखो यार। हाथ है बीच में बिक्री थी जैकेट, वहाँ जाके पोपट कर दिया ना, तो रेट पूछा वहाँ कितने प्राइस की है। अब आके चल के देखेंगे क्या होता है, फिल्म आदमी है कम से कम रेट तो मालूम कर लेते तो कितना रेट है भाई, करने है क्या लेनी है मेट्रो में पता नहीं है। चलते हैं भाई अपने एक्सटेंशन पे देखेंगे, सस्ते के जुगाड़ जब तो भीड़ लग रही थी वहाँ पर ज़्यादा भाई। महंगा है वो, महंगा है हाँ। कितना प्राइस होगा, कम से कम होगा वहाँ पे 800-900 रुपये, 1000-1500 रुपये की बैठे मेट्रो में ना भाई। G20 इसके नहीं बड़े दांत यार, ये तो भाई आ गए हैं राजीव चौक। अब ये क्या बोलते हैं, एग्जिट ले रहे हैं भाई, एग्जिट ले रहे हैं सीधा राजीव चौक के लिए। पेरिस आ गए और भाई दिल्ली में है। लोकेशन क्या है, नाट प्लेस भाई। वो कितनी दूर है जहाँ में जाना है भाई? तो भाई इस टाइम हमें सीपी, दोनों भाई हैं और टाइम बहुत लगा, 1.5 से 2 घंटे तो लग गया हमें भाई यहाँ घर से आने से। और यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, ये सीपी है। ये हमें जो हमारा भाई है, सारा भाई जो भी नहीं है, यहाँ का नज़ारा काफ़ी देखने लायक है भाई। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और दोबारा फिर आ गए समथिंग 6 महीने पहले, 6 महीने बाद पहले आए थे, अब फिर दोबारा आना हो गया। इतने समय के बाद मैं इतना चलता नहीं हूँ क्योंकि फील्ड का काम होता है और बाइक पे चलना होता है, लेकिन भाई ने इतना चलवा दिया कि आप सोच नहीं सकते जीवन में भाई ऐसी कम होगा। भाई का फैट भी तो इसलिए बढ़ा मेरा, इतना तो मैं कभी जिंदगी में नहीं चला जितना तुमने आज चलवा दिया ना मुझे। तो भाई ऐसी कम होगा, चल गए होंगे 1 किलोमीटर तो मेट्रो में चल गए हम, और पूरी 1 किलोमीटर आप चल गए भाई। वो यहाँ 2 किलोमीटर तो मैं अपने जीवन में जब भी चला था, जब मैं 11th या 12th क्लास में था। तो हमें जाना गाइस, आ गए अपने रूम पर और पालिका बाजार, वहाँ पर क्या लेना है भाई, जैकेट देखते हैं, जैकेट खरीदेंगे वहीं पर पालिका बाजार में, आपको दिखाएंगे वहाँ का व्यू, बने रहिए। ये गाइस कनॉट प्लेस, यहाँ पर हो रही थी सिंगिंग, तो हमने ये मोमेंट भी कैप्चर कर लिया है, काफी ज्यादा खूबसूरत पल है। अगर कनॉट पालिका बाजार और यहाँ पर चलिए सिंगिंग, उसका भी क्लिप ले लिया है और नेक्स्ट वे होता है उसके लिए इधर चलना पड़ेगा। मैं इधर ही है, यहाँ पर पालिका बाजार है। हम फाइनली राजीव चौक से आ रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी और कोई भी हमें कपड़ा जैकेट वगैरह पसंद नहीं आई क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट थे, तो कीमत होनी चाहिए कपड़े की वो बिल्कुल भी वो लोग नहीं लगा पा रहे थे। अब सीधे हमें जाना है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद से देखेंगे क्या रूट बनता है, तो व्यू देख सकते हैं आप, दिस इज़ वेरी लवली एंड रोमांटिक व्यू। सीधा मेट्रो स्टेशन पकड़ेंगे, थक बहुत ज़्यादा गए ट्रैवलिंग करते करते, और भाई जो है हमारे नबी भाई गिर गए रास्ता भूल, और रास्ता भूलने की वजह से हमें चारों तरफ भटकना पड़ रहा है। और कहीं फ्रेश करके पहले हम खा लेते हैं,
यहाँ से देखते हैं मेट्रो का क्या ऑप्शन है जाने के लिए मस्जिद को। इस टाइम भाई सीपी तो है। हाँ भाई सीपी लो, देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, चारों तरफ लाइट है, बहुत ही आनंद तो आया ब्लॉग शूट करने में। और साथ ही साथ हमें चलना बहुत पड़ा, जो कि मैं तो सफर के लिए ट्रैवलिंग जब कर रहे थे तो ये नज़ारा हमने कैप्चर कर लिया जो काफी खूबसूरत है। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफी अट्रैक्टिव है, जो नजर हटाए से नहीं हटती है सीपी में। इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद लगती है भूख, तो हमने लिए सैंडविच। और यहाँ पर कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। देख सकते हैं भाई खा रहे हैं और जोरों की भूख लगी हुई है। और इसको टर्न करने के बाद हमें सीधा जाना है जामा मस्जिद, तो खा लेते हैं पहले, पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है, भीड़ भाड़ भी है बहुत ज़्यादा। समय बहुत लग गया है इतना सारा डोलने के बाद भी भाई बहुत कुछ कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। नहीं, तो गाइस फाइनली जामा मस्जिद के लिए हमने ले लिया मेट्रो का टिकट और यहाँ पर हम एग्जिट कर रहे हैं अंदर के लिए और यहाँ पर सीधा जाएंगे अपने स्टेशन की तरफ। हम आ गए हैं मेट्रो से जामा मस्जिद और यहाँ पर जैकेट भी हमें पसंद कर ली है, जैकेट है और बहुत सारी सेल लग रही है यहाँ पर और लोगों का आना जाना है। आई पसंद कोई नहीं आई, वाइट वाली, वाइट वाली पसंद आई। भाई को जैकेट पसंद आ गई, मुझे भी पसंद आ गई। आप पहले ट्राई करते हैं यहाँ पर क्या बेस्ट मिलता है और कितना प्राइस है, मिनिमम प्राइस में और मैक्सिमम प्राइस हम देखेंगे। गाइस सबसे चीपेस्ट प्राइस है यहाँ पे, आप देख सकते हो जो इतनी मस्त मस्त है, मतलब जो शोरूम का प्राइस है उससे बहुत बढ़िया। 750 बोल रहा भाई, 700 में दे देगा। हाँ यार लाइक करो यार, आइयो देखो मैं आपको दिखाता हूँ बैक। हमने शॉपिंग कर ली जामा मस्जिद से, एक खरीदी जैकेट, कुछ चप्पल भाई ने और एक एक लेडीज ने जैकेट खरीदी है।